हेलो गाइस, तो मैं रेलीपे कंपनी के रिटेलर आईडी से मिनी स्टेटमेंट कैसे निकालते हैं ये आपको दिखाने वाला हूँ। फर्स्ट कस्टमर का आधार नंबर, सबको जो भी काम करते हैं पहले से तो उन्हें पता होगा कस्टमर का आधार नंबर हमेशा देना होता है। उसके बाद कस्टमर का मोबाइल नंबर, अगर कस्टमर मोबाइल नहीं लाए तो आप दूसरा कोई भी रेंडम नंबर डाल सकते हैं। उसके बाद कस्टमर का बैंक जो है, कौन सा बैंक में उनका अकाउंट है, वो बैंक आपको यहाँ पर टाइप करना पड़ता है बैंक में, तो बैंक ऑफ बड़ौदा है इसलिए। इसके बाद डिस्क्रिप्शन में आपको कुछ भी देना पड़ेगा, तो मैं NA लिख देता हूँ, नॉट अवेलेबल ऐसा करके दे देता हूँ क्लिक। यहाँ पर आई एग्री में टिक करना पड़ता है, उसके बाद सबमिट। चेकिंग हैंडसेट रूट स्टेटस प्लीज़ वेट, तो मंत्रा के साथ कनेक्टेड डिवाइस। तो मैं असल में मोबाइल में जो है EPS या मिनी स्टेटमेंट नहीं करता हूँ, मैं PC में करता हूँ। अगर मैक्सिमम लोगों का पास PC नहीं होता है तो वो लोग मोबाइल से करते हैं, तो उनके लिए मैं ये करके दिखाने वाला हूँ। मंत्रा ऑथेंटिकेशन वेंडर डिवाइस सबमिट, ओके चलिए आ चुका। फिंगरप्रिंट्स देना पड़ता है आपके बायोमेट्रिक्स डिवाइस में, कोई भी एक फिंगर मैंने यहाँ पर दे दिया है। अब आप जैसे देख पा रहे हैं कि 12 तारीख मतलब आज ही की डेट में 12 में रात 10:21 पे मैं ये मिनी स्टेटमेंट दिखा रहा हूँ। बैलेंस 2010 रुपीस है, मिनी स्टेटमेंट 2000 क्रेडिट हुआ था, इसके बाद 4000 डेबिट हुआ है। इस तरीके से ट्रांजेक्शन बहुत सारे हुए हैं, आप प्रिंट कर सकते हैं या फिर इसका स्क्रीनशॉट कस्टमर को दे सकते हैं। प्रिंट करने के लिए आपको कंपनी की तरफ से जो ब्लूटूथ डिवाइस आता है प्रिंटिंग फिटिंग के लिए, वो आपको परचेस करना पड़ता है। तो आप इन स्टेटमेंट कस्टमर को बता सकते हैं या दिखा सकते हैं। अगर अभी आपके पास प्रिंटिंग मशीन अगर नहीं है और PC है, तो आप ऑटोमेटिक आपके पास प्रिंटिंग ऑप्शन रहेगा, तो आप वहाँ से भी प्रिंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, कौन कौन सा बैंक का मिनी स्टेटमेंट आप चेक कर सकते हैं उसका भी मैं लिस्ट पोस्ट में डाल दूंगा। अगर आप लेना चाहते हैं ID तो कांटेक्ट कर सकते हैं, और ID लेने के लिए आपको मिनिमम 10 ट्रांजेक्शन डिलीट करना होगा, तभी मैं आपको ये ID नॉमिनल प्राइस में दे सकता हूँ।